वेदर फोरकास्ट वाले अगर बोलेंगे कि भाई बारिश होगी तो समझ लो बारिश नहीं होगी, अगर वो लोग बोलेंगे आज बारिश नहीं होगी तो समझ लेना कि होगी। लेकिन दुबई वेदर फोरकास्ट वाले एकदम एक्यूरेट है, अगर वो लोग बोलेंगे ना कि भाई 5:30 बजे रेतीला तूफान यानी कि सैंड स्टॉर्म आएगा तो वो 5:30 बजे आएगा, ना 1 मिनट आगे होता है ना 1 मिनट पीछे होता है, ऐसा मैंने इस पर्टिकुलर मूवी को देखकर मालूम किया है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। आज हम लोग बात करेंगे बेल वाटर मूवी की। आप लोग मूवी देखने के लिए 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर गए होंगे, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का कभी सोचे नहीं होंगे। साला मैंने भी ख्वाबों ख्यालों में ये चीज नहीं सोची थी, लेकिन कल मुझे बेल वाटर देखने जाना पड़ा। बारिश का मौसम था और भाई जो हालत मिली हुई है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मूवी की अगर लेंथ की बात करें तो करीब 2 घंटे की मूवी है और कहानी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, यानी कि 1970s और 80s के बीच में इंडिया में जितने भी प्लेन हाईजैक्स हुए थे तो उसको नजर में रख के एक फिक्शनल कहानी बना दी गई है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना ट्रू है और कितना फिक्शनल है, लेकिन फिर भी ऐसा मान के चलो कि फिक्शनल है या मान के चलो ट्रू है, जो भी आप लोगों को मानना है यार, मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती है। कहानी फोकस करती है अंशुल मल्होत्रा जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है। अंशुल एक टीचर है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद ये रॉ को ज्वाइन कर लेता है। अब ऐसे में कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब न्यू दिल्ली से श्रीनगर जाने वाला प्लेन हाईजैक हो जाता है। अब उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसके लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो देखो हमारे बॉलीवुड में प्लेन हाईजैक्स पर और रॉ एजेंट पर बहुत सारी मूवीज बनी है, तो जब डायरेक्टर लोग ये पुराने माल को फिर से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनके पास बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि उनको वही अपना पुराने माल को नए पैकेट में लपेट के ऑडियंस को देना ताकि ऑडियंस खरीदे और उसको एंजॉय करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर माल को वो लोगों ने प्रेजेंट तो किया लेकिन माल में कुछ दम नहीं है, सीरियसली कुछ दम नहीं। अगर आप लोग अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हो तो आपको ये अक्षय कुमार की डिसेंट मूवीज में से एक लगेगी, नॉट हिज वेरी बेस्ट मूवी। और अगर आप लोग एक न्यूट्रल ऑडियंस है जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से मूवीज देखते हैं जहां पर आपको कहानी दमदार देखनी चाहते हो तो ये मूवी आपको लिटरली डिसअपॉइंट करेगी। और अगर आप लोग एक मुंबई करो और गुजरात जाके ये पर्टिकुलर मूवी देखने जाते हो तो भाई सिर्फ दो ही रीजन से जाओ। पहला रीजन तो अक्षय कुमार उनके फैन फॉलोइंग बहुत है, और दूसरा रीजन ये कि अगर आप लोग थिएटर वालों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आना चाहते हो क्योंकि बहुत महीनों से कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है और आप लोग चाहते हो कि बेचारे लोग खुश हो जाए तो उनके वजह से ये मूवी देखो। लेकिन आप लोग एंटरटेनमेंट पर्पस से कुछ अच्छा, कुछ हटके, कुछ एज ऑफ द सीट देखने की बात करोगे तो भाई वो आप लोग भूल जाओ। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स तो है नहीं, लेकिन जितने भी है उनको अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन स्पेशली बेल बॉटम और उनकी माँ, इन दोनों कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा और माँ बेटे के रिश्ते को जो यहाँ पर प्रेजेंट किया, जो इमोशंस डाले ना, वो कहीं ना कहीं हर एक बंदा उससे कनेक्ट कर पाता है और आंखों में आंसू भी आते हैं। वो एक चीज इस मूवी की सबसे बेस्ट लगी यार, मुझे मजा आ गया। मतलब वो चीज देखने के बाद वो सारी जो खामियां वो मैं भूल गया कि नहीं यार, वो जो एक एहसास है ना माँ बेटे का, वो मतलब एक अलग ही होता है और वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक खास बात बताओ कि जब आप लोग किसी प्लेन हाईजैक पे मूवी देखते हो तो आपको इतना तो आइडिया होगा, इतने तो डम है नहीं आप लोग कि यस कोई प्लेन हाईजैक हो तो एंड में हीरो किसी भी तरह से उन हाईजैकर्स को रोकेगा और पब्लिक को बचा लेगा, तो वो चीज सबको पता होती है। लेकिन पब्लिक क्यों जाती है फिर भी ये मूवी देखने के लिए, कि वो पल आने से पहले वो जो एज ऑफ द मोमेंट होता है ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कौन सा प्लान होगा, किस तरीके से लोग ये सारी चीजें करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं वो चीज आपको यहाँ पर फील होती नहीं है। मूवी सिनेमेटोग्राफी की बात करूंगा तो यार 80s के इरा को लोग ने अच्छी तरह से क्रिएट किया, कॉस्ट्यूम्स बहुत बढ़िया है, विंटेज कार्स बहुत अच्छे है, लेकिन यहाँ पर जो VFX है ना वो बहुत ही पैथेटिक है, पैथेटिक कुछ जगहों पे अच्छा, एकदम कुछ जगहों पे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे बहुत ही गंदा है। और वो जो क्लाइमेक्स का सीन है जहाँ पे वो रेतीला तूफान आता है और एक्शन सीन होता है, भाई क्या बोलूं भाई, कौन सा नशा करके वो VFX कर रहे थे भाई, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक तरफ आप लोग इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेते हो, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, उनको 150 करोड़, 120 करोड़ देते हो, और दूसरी तरफ आप लोग जहां पर जरूरत है खर्चा करने की VFX डिपार्टमेंट में वहां पर खर्चा ही नहीं करते हो। जब आप लोग इस तरह की मूवी बनाते हो जहां पर जरूरत है VFX की, अभी प्लेन हाईजैक को बता रहे, प्लेन उड़ रहा है, प्लेन ये वो सब चीजें हो रही है, सैंड स्टॉर्म आ रहा है, तो उसमें VFX की बहुत ही तगड़ी जरूरत होती है। और ऐसे में आप लोग ऐसा VFX करोगे तो ऑडियंस चीटेड फील होता है कि ये चीज में सुधर जाओ, क्योंकि हॉलीवुड वाले देखो एक से बढ़कर एक VFX वाले सीन्स आ रहे हैं, तो बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कर सकते, जबकि बॉलीवुड वाले हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा है तो सबसे ज्यादा कमाने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है बॉलीवुड। तो बॉलीवुड वालों की ये जो एक खामी है ना वो बहुत ही जल्दी दूर होना चाहिए। मूवी में अगर BGM की बात करूँ तो BGM ने मेरा दिल जीत लिया, स्पेशली अक्षय कुमार की एंट्री में जो BGM है बहुत अच्छा है, और साथ साथ बहुत से सीन्स में ऐसे BGM जो 70s और 80s के मूवीज में हम लोग सुनते थे, उससे वो 70s 80s वाली फीलिंग आती है यार। वो चीज डायरेक्टर ने बहुत अच्छी की, वो चीज मेकर्स ने बहुत अच्छी की है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो देखो अक्षय कुमार ही पूरी मूवी में छाए हुए नजर आते हैं, और उनका चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, उनके भागने का स्टाइल, वो आप
एज अ फैन वो फील करते हो, और नहीं भी अगर आप उनके फैन हो तो वो चीज आप उनमें नोटिस करते हो, और वही आपको इस पूरी मूवी में नजर आता है। लेकिन आदिल हुसैन जिन्होंने भाई बहुत अच्छा काम किया, वो हमारे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है। और उनका एक डायलॉग कुत्ते वाला, वो डायलॉग है मतलब बहुत फनी भी, और वो एक डायलॉग है जो आपको एंड तक याद रहेगा, और शायद वो डायलॉग्स को काफी लोग यूज भी करेंगे मीम्स के थ्रू। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आदिल हुसैन का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। लारा दत्ता का रोल में इतना ही बोलूंगा कि लारा दत्ता की जगह पे अगर वो सेक्रेट गेम में होती ना पार्ट टू में, क्या नाम है यार उसका, सेक्रेट गेम में वो ताई का रोल जिसने की थी, अगर वो इस पर्टिकुलर रोल मूवी में इंदिरा गांधी का रोल प्ले करती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लारा दत्ता मतलब कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डाली, ठीक ठाक रोल की, मगर जरूरत क्या थी जब इतना ज्यादा अपने चेंज कर दे, तो फिर लारा दत्ता क्या कोई भी होती चल जाता। वाणी कपूर की बात को तो वाणी ने यहाँ पर सिर्फ पानी लाने का काम किया है, चाय लाने का काम किया है, हस्बैंड के रोमांटिक सीन देने का काम किया है, सॉन्ग्स के लिए काम किया, बाकी उसका कुछ भी मेजर रोल नहीं। और बॉलीवुड के मोस्टली मूवीज में जो एक्ट्रेस होती है उनका इसी तरह के ग्लैमरस रोल होता है, बस साइड में होता है, बस ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, वो नल्ले थड़की लोगों के लिए। और हुमा कुरैशी की बात करूँ तो यार क्यों लिया हुमा कुरैशी को मुझे समझ में नहीं आया, इतना घटिया रोल था। हुमा कुरैशी की जगह कोई अगर बेचारी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती जिसको मौका देती तो शायद वो कुछ और कर पाती, या नहीं भी करती तो एटलीस्ट उसके दिल को सुकून तो मिलता, उसको काम तो मिलता। हुमा कुरैशी की भी इसमें कोई जरूरत नहीं थी, तो उसको भी पूरा टोटल वेस्ट किया है। और अगर मूवी के डायरेक्शन की बात करो तो यस, इस तरह की मूवी में जो थ्रिलिंग मोमेंट आना चाहिए था वो डायरेक्शन के थ्रू नहीं आ पाया है। एडिटिंग भी अच्छी है, मतलब ज्यादा मूवी को खींचा नहीं है। ओवरऑल इट्स एन डिसेंट मूवी फॉर मी, और कह सकते हैं बिलो एक्सपेक्टेशन हो गया यार। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 2 out of 5। आप लोग चाहो तो ये मूवी को अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो, लेकिन यस अगर आप लोग ये मूवी जाओगे तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, दो ही वजह से जाना, एक तो अक्षय कुमार, दूसरा थिएटर ओनर्स लोगों के लिए, थिएटर में जो काम करते हैं उनके लिए, बाकी मुंबई से गुजरात जाना स्पेशली इस पर्टिकुलर मूवी के लिए फिलहाल मेरे हिसाब से तो वर्थ वॉच नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आपको इस पर्टिकुलर मूवी में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।